एशियन न्यूज़ के सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं गणेश अग्रवाल और आप देख रहे हैं दमोह जिले की खबरें। दमोह जिले में पंचायत सचिवों के तबादलों को लेकर के पंचायत सचिवों के संगठन के लिए के द्वारा एक ज्ञापन सौंपा गया। एक ज्ञापन दमोह जिले की जिला पंचायत को सौंपा गया तो वहीं एक ज्ञापन जिला पंचायत सीईओ के नाम सौंपा गया। हालांकि जिला पंचायत सीईओ कार्यालय में नहीं थे तो पंचायत सचिव संगठन के द्वारा उनसे फ़ोन पर बात की गई और बात किए जाने के बाद कार्यालय में ज्ञापन सौंपा गया। ऐसे में पंचायत सचिवों के द्वारा क्या कुछ मांगें रखी गई हैं इस तबादलों को लेकर के आपको सुनाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट एशियन न्यूज़। सारे स्थानांतरण नियम बहुत देश को आम जब राजनीतिक तरीके से किए गए लेकिन नियम बहुत तैयार है। इसमें किसी किसी सचिव को 250 किलोमीटर दूरी भी कर दिया एक जनपद से दूसरी जनपद, जबकि गाइडलाइन में है कि आप एक जनपद से दूसरी जनपद जाएंगे तो उसमें सहमति लगेगी। और स्थानांतरण के लिए भी गाइडलाइन में है कि आजू बाजू की पंचायत जहाँ वो अपने आसानी से आ जा सके पंचायत चला सके। तो अच्छा, दर्द बीमारी वाले सचिवों को भी छोड़ा है, उनके भी ट्रांसफ़र कर दिए। अभी एक साल पूर्व, 6 महीने पूर्व और 10 महीने पूर्व जिनके स्थानांतरण किए गए हैं उनके भी स्थानांतरण कर दिए। अच्छा, और जिन्होंने स्वेच्छा से चाहा कि हमारे स्थानांतरण करो और आवेदन दिए उनके किसी के स्थानांतरण नहीं। इस संबंध में संगठन ने 5 तारीख को एक ज्ञापन दिया था भाई, उस ज्ञापन की कॉपी दी है सीईओ के कि आप निष्पक्ष रूप से सचिवों के ट्रांसफ़र करें, लेकिन इसके बाद भी अनदेखी की है जिला पंचायत और सचिवों को उल्टा सीधा उठा के फेंक दिया। कोई कोर्ट जाएगा, कोई कहीं जाएगा, 6-6 महीने 1-1 साल इसी में व्यतीत हो जाएंगे और मतलब पूरी दूषित है ये जो स्थानांतरण प्रणाली है जो अभी किए गए हैं उससे कोई भी सचिव स्वातंत्र के संतुष्ट नहीं। अतः हम लोग चाहते हैं सूची को ध्वस्त कराते हुए और सुसंगत जो नियम है उस अनुसार सूची बनाई जाए। हमें सब कुछ आज हमारे पास सचिव संघ के सारे मेंबर्स आप देख रहे हैं ये हमारे पास आए हैं। इनका जो स्थानांतरण किया गया है, जो ट्रांसफ़र किया गया है वो नीति विरुद्ध किया गया है। कुछ सचिवों के 3 वर्ष पूर्ण नहीं हुए और इनका ट्रांसफ़र कर दिया गया है। इनको ऐसी जगह भेजा गया है जहां इनके काफ़ी दूर भेजा गया है, अपनी एक जनपद से दूसरी जनपद या दूसरे ब्लॉक में ही भेज दिया गया है। तो ये लोग बहुत परेशान हैं, इससे बच्चों के भविष्य भी इनका प्रभावित होगा और इनके बिना जाने इनके ट्रांसफ़र कर दिए गए हैं। कुछ द्वेषपूर्ण ट्रांसफ़र भी हुए हैं। इस तरह के ट्रांसफ़र पहले कभी नहीं हुए जो इस तरीके से हुए हैं। इसकी पूरी जांच की जाएगी। मैं इन सचिव संघ के सारे लोगों के साथ हूं। इस तरह का कार्य की मैं निंदा करती हूं। देखिए, अभी सचिवों के स्थानांतरण किए गए हैं 7 तारीख में जिला पंचायत दमोह से, तो उसमें जो स्थानांतरण किए गए हैं वो द्वेषपूर्ण भावना को रखते हुए किए गए हैं। अभी विगत 2 वर्ष 1 वर्ष और 8 माह के जो सचिव थे स्थानांतरित उनके भी स्थानांतरण किए गए हैं। कुछ सचिवों के जनपदों से दूसरे जनपद किए गए हैं जो कि नियम विरुद्ध हैं, गाइडलाइन के विरुद्ध हैं। इसके पूर्व सचिव संगठन जिला द्वारा ज्ञापन दिया गया था कि जो स्थानांतरण है सचिवों के वो निष्पक्ष रूप से हों, तो सभी सचिव ये हमारे पास, चूँकि मैं जिलाध्यक्ष हूँ सचिव संगठन का, तो अभी स्थानांतरण सूची जारी हुई तो सारे सचिव आ रहे हैं कि हमारा ट्रांसफ़र गलत हो गया है, हमारा नियम विरुद्ध हुआ है, 1 वर्ष पहले हुआ था। तो उन्हीं सभी सचिवों के आज हम लोग आवेदन देने आए हैं कि इनके स्थानांतरण निरस्त करते हुए इनको यथावत पंचायतों में पदस्थ किया जाए और स्थानांतरण नीति की जो सूची है वह निष्पक्ष तरीके से और शासन की गाइडलाइन के अनुसार बन जाए। इसलिए क्या खामी है सूचियों में? खामी ये है कि जिसके ट्रांसफ़र 1 वर्ष पूर्व हुए थे उनके पुनः कर दिए गए, और कहीं कहीं ये हुआ है कि ट्रांसफ़र जहां से किया है उस पंचायत में दूसरे पंचायत उस सचिव को कहां भेजा गया है यह सूची में नहीं दिया गया है, और रिक्त पंचायतों में किन सचिवों को रखा गया यह भी सूची में नहीं दर्शाया गया है। तो अब वो सचिव कहां जाएंगे? और जो सचिव अभी ट्रांसफ़र होके गए थे उनके पुनः ट्रांसफ़र कर दिए गए, उनकी बीमारी को, उनकी आर्थिक स्थिति, उनके घर की परिस्थिति को ना देख कर ही स्थानांतरण कर दिए गए हैं। चूँकि एक जनपद से दूसरी जनपद सचिव की सहमति से स्थानांतरण होना चाहिए, वह भी स्थानांतरण कर दिए गए। कहीं कहीं 200 किलोमीटर 150 किलोमीटर और 250 किलोमीटर की दूरी तक सचिवों के स्थानांतरण किए गए हैं जो शासन की गाइडलाइन के अनुसार नियम विरुद्ध है। क्या मानते हैं आप?
हम लोग यह मानते हैं कि यह सूची निरस्त करते हुए सारी सूची जनपदों से बन के आए और उसमें सचिवों की सहमति रहे कि किस सचिव को कहाँ जाना है, ताकि किसी को कोर्ट के चक्कर ना लगाना पड़े और किसी को स्टे ना लेना पड़े और पंचायतों के कार्यक्रम विधिवत चलते रहे। सूची जारी की गई वो किन संस्थाओं को जन्म दे रही है? अब जो सूची जारी हुई है वह तो पूरे ये लग रहा है कि गाइडलाइन के विरुद्ध द्वेषपूर्ण भावना है, द्वेषपूर्ण भावना के तहत यह सूची जारी की गई है। किसको द्वेष जी? किसके द्वेष से की गई? अब ये राजनीतिक द्वेष भी हो सकता है, व्यक्तिगत द्वेष भी हो सकता है, चूँकि सूची पूरी पूर्णतः द्वेष जो कि जिला पंचायत द्वारा जारी की गई। पथरिया से हमारे जनपद अध्यक्ष भी आए। मैं दिलीप पाठक, जिला अध्यक्ष, मध्य प्रदेश पंचायत सचिव संगठन जिला दमोह। भाई साहब, हम लोग ज्ञापन नहीं व्यक्तिगत आवेदन लेके आए हैं और हमारे जनपद में जो सचिवों के स्थानांतरण हुए हैं तो उसमें एक ऐसी भावना को देख के किए गए हैं, मतलब उसको हम मानते हैं कि जी दुर्भावनापूर्ण है। एक जनपद से दूसरे जनपद में ट्रांसफ़र किए गए हैं और हमारे चूँकि तीन सचिवों के ऐसे स्थानांतरण किए गए हैं जो पांच पंचायतों के प्रभार में थी और उन पांचों पंचायतों में एक भी सचिव की नियुक्ति नहीं की गई है और ना वहाँ कोई ट्रांसफ़र किया गया है। और एक जनपद से दूसरे जनपद में जो ट्रांसफ़र किए गए हैं उसमें हमारे साथियों को भारी दिक्कत है, 100-150, 200-250 किलोमीटर तक की दूरी पर किए गए हैं। तो आदरणीय CEO साहब से निवेदन करने आए हैं और आवेदन देने आए हैं कि रद्द करके इसको और उनको यथावत रखा जाए, चूँकि उनके स्थानांतरण को कुछ उसमें ऐसे हैं कि उनका 6 माह पहले स्थानांतरण हुआ था, कुछ ऐसे हैं जिनको एक ही साल हुआ है या 1.5 साल हुआ है। चूँकि शासन की गाइडलाइन के अनुसार 3 वर्ष के उपरांत स्थानांतरण करने का प्रावधान है और 3 वर्ष के पहले 6 माह या 1-1.5 वर्ष में यदि स्थानांतरण किए गए हैं और वो भी जनपद से बाहर किए गए हैं तो ये तो समझ से बाहर बात है। अगर नहीं रुकते हैं ट्रांसफ़र तो क्या करेंगे? तो फिर अब मजबूरन हम लोगों को कोर्ट की शरण लेना पड़ेगी, अब जब या फिर आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ेगा। दो विकल्प हैं अब, चूँकि कोर्ट या आंदोलन, तो हम नहीं चाहते कि हमारी पंचायत के काम प्रभावित हों और विधिवत तरीके से और हमारे साथियों को यथास्थान उनके स्थानांतरण निरस्त करके और उनको यथास्थान उनकी जहाँ की तहाँ पदस्थापना की जाए। क्या नाम है? मैं जगदीश पटेल, अध्यक्ष पंचायत सचिव संगठन पथरिया।